हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 का जो विषय है अंग्रेजी का, उसके बारे में, जो आपके फर्स्ट टेस्ट होने वाला है उसके रिगार्डिंग हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें और वीडियो को अंत तक देखें, सारे क्वेश्चनों को याद कर लें। ये पैटर्न रहने वाला है आपका। इधर आपका प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 9 और विषय इंग्लिश, इधर आपको दिनांक लिखनी है, इधर आपका पूर्णांक रहेगा और आपको कुछ निर्देश दे रखे हैं जिसमें सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है और विद्यार्थी सभी प्रश्नों का हल प्रश्न पत्र में ही करें और हल प्रश्न पत्र निर्धारित तिथि तक कक्षा अध्यापक को उपलब्ध कराएँ। लेफ्ट साइड में आपको विद्यार्थी का नाम लिखना है, यानी खुद का नाम लिखना है, और राइट साइड में विद्यालय का नाम लिखना है। तो ये हो गया आपका पैटर्न जो आपका एग्ज़ाम का रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में बिना देरी के। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट एडवर्ब। दीज सॉकेट्स आर, खाली जगह, हैवी। तो इसमें जो आंसर आएगा आपका वो ऑप्शन नंबर बी, ऑफली। सेकंड है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट एडवर्ब, इसमें है द लिटिल गर्ल लुक्ड, खाली जगह, एट हर टेक्स्ट बुक टन एंड हाफ। तो इसका जो आंसर है वह है सोरोफुली, ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी आपको एडवर्ब फिल करनी है, यह है हर लाइफ चैंट, खाली जगह, व्हेन सी वॉन द लॉटरी। तो इसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा कम्प्लीटली, ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें अगेन आपको एडवर्ब बतानी है, ही खाली जगह स्कूप्ड द मनी अप फ्रॉम द डेस्क बिफोर एनीवन नोटिस्ड। तो फोर्थ का जो आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्विकली। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली, खाली जगह, यू हैड ईटन ए गुड ब्रेकफास्ट, यू वुड नॉट बी सो हंग्री नाउ। तो फिफ्थ का जो आंसर रहेगा वह रहेगा इफ, ऑप्शन नंबर ए। सिक्स क्वेश्चन है, इसमें भी आपको अप्रोप्रिएट सेंटेंस कंप्लीट करना है, खाली जगह, यू आंसर्ड ऑल ऑफ माय क्वेश्चंस, आई कांट डू एनीथिंग टू हेल्प यू। तो सिक्स का जो आंसर है वह है अनलेस, ऑप्शन नंबर बी। सेवन्थ क्वेश्चन है, एवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेडुअल, व्हाट डज ग्रेडुअल मीन। तो सेवन्थ का जो आंसर रहेगा वह रहेगा स्लो, ऑप्शन नंबर ए। एट्थ क्वेश्चन है, फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीच, व्हाट डज कंसील मीन। तो इधर जो आंसर आएगा आपका एट्थ का वह रहेगा हाइड, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे फॉलो करके रखें, जिससे वहाँ से आपको सारी अपडेट और PDF वगैरह मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, बट वाई द टाइम सी वाज 11 हर मार्क्स हैड डेटेरियोरेटेड एंड हर हेडमिस्ट्रेस आर्ग्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, व्हाट डज डेटेरियोरेटेड मीन्स। तो इधर 9th का जो आंसर आएगा वह आएगा फॉलन, ऑप्शन नंबर बी। 10th नंबर क्वेश्चन है, द रेस्ट वाज शीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, व्हाट डज शीर मीन। तो 10th क्वेश्चन का आंसर आएगा टोटल, ऑप्शन नंबर सी। 11th नंबर क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, व्हाट डज कैप्चर मीन। कैप्चर मीन्स, इसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा 11 का वॉन। 12th नंबर क्वेश्चन है, एवेलिन कन्फेसेस दैट सी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक, व्हाट डज कन्फेसेस मीन्स। तो इसका आंसर है 12th का एडमिट्स, यानी कि उसने स्वीकारा।
13 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव, फर्टाइल सॉइल इज खाली जगह फॉर एग्रीकल्चर। तो 13 का जो आंसर रहेगा वह रहेगा इंडिस्पेंसेबल, ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव, आई एम हाईली खाली जगह बाय द प्रोग्रेस यू मेड रिसेंटली। तो इसका जो आंसर आएगा वह आएगा इम्प्रेस्ड, ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव, वी कैन खाली जगह यू ऑफ आर फुल सपोर्ट। तो इसका जो आंसर आएगा वह आएगा 15 का एश्योर, ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर है, इसमें भी आपको एडजेक्टिव बताना है कौन सा सही रहेगा, ऑल दैट खाली जगह वर्क हैड मेड हिम वेरी मस्कुलर। तो 16 का जो आंसर है वह रहेगा आउटडोर। 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी आपको एडजेक्टिव चूज करना है करेक्ट, द प्रोफेसर वाज ऑलवेज अवेलेबल टू गिव हिम खाली जगह एडवाइज। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 17 का पैटर्नल, ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी आपको एडजेक्टिव चूज करना है, दीज एंटिक पेंटिंग्स आर खाली जगह। तो 18 का जो आंसर है वह है प्राइसलेस, ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर क्वेश्चन है, वेयर डिड मार्गी गो, तो इसका जो आंसर है वह होगा स्कूल रूम। 20 है, हु वाज मार्गीज टीचर, तो मार्गी टीचर कौन थे, वो थे मैकेनिकल टीचर, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे क्वेश्चनों को याद कर लें, रट लें। आपका जो मासिक टेस्ट होने वाला है, फर्स्ट टेस्ट अगस्त सितंबर के अंदर, उसमें आ सकते हैं वैसे कई सारे क्वेश्चन, इसलिए सभी को याद कर लें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।